अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल देंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल एस सी एल एस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो सब तक पहुंच सके तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट टू मैनेजमेंट फंक्शन जो कि पार्ट है एम एल का आ, और ये ब्लॉक वन है तो इससे पहले हमने यूनिट जो वन है वो भी कवर करा दिया है और यूनिट फाइव भी कवर करा दिया है तो यूनिट टू था यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और बाकी का जो ये ब्लॉक वन से जो यूनिट बचे हुए हैं वो भी हम कवर करवाएंगे तो मैनेजमेंट फंक्शन एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज और एज अ लाइब्रेरियन आपके लिए ये जो यूनिट है ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आता है तो ऐसा ना सोचे कि एग्ज़ाम में नहीं आता है बट आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरी सेंटर का है इससे इस रिलेटेड ये जो यूनिट है ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिकली जब लाइब्रेरी में आप वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इम्पॉर्टेंट यूनिट था कितना इम्पॉर्टेंट था प्रैक्टिकली तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसको हम पढ़ के हमें क्या क्या चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पांच फंक्शन है मैनेजमेंट के जो कि हम आ, हर एक फंक्शन को सेपरेट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे तो पहला है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग फिर को रिलेट फंक्शन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट उनके फंक्शन को लाइब्रेरी मैनेजमेंट में को के साथ देखेंगे अपलाई द रेलिवेंट थेरीज एंड प्रिंसिपल बिहाइंड ईच फंक्शन इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी और जितनी भी रिलेवेंट uh, थेरी है प्रिंसिपल है इनसे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे और टेस्ट ऑडिट द एग्जिस्टेंट मैनेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज़ टू गि ऑर्गेनाइजेशन तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला प्लानिंग अ प्लान इज अ वेल थाट आउट स्कीम और प्रोग्राम मेड इन एडवांस एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट तो प्लान क्या है एक वेल थॉट स्कीम है एक प्रोग्राम है जो कि बनाया जाता है एडवांस पहले ही बनाया जाता है जो कि कंप्लीट कर पाए किसी एस्पेक्ट को या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को ग्रुप को ताकि एक अचीव जो मतलब हमें टारगेट है वो हमें मिल पाए तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्लानिंग प्रोवाइड अ टोटल जो सिनेरियो है ये हमें प्लानिंग प्रोवाइड करता है हम पहले प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ एक्शन आप जो एक्शन करने वाले लेने वाले हैं भविष्य में जो जो चीज़ें आप करने वाले हैं उसका एक ब्लू प्रिंट है कि किस तरीके से आप करेंगे इट एम्ड एट ओवरकमिंग एनी अनसर्टेनिटी इम्पोज बाई फ्यू फ्यूटेशनल एम्फेसिस ऑब्जेक्टिव एड्स कंट्रोल एंड हेल्प अटेन मतलब कि डिफरेंट चीज़ों में आप पहले से मतलब अनुमान लगा लेंगे कोई भी अनसर्टिनिटी आने वाली है चाहे वो यहाँ पे कंट्रोल हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया या फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली एंड अकॉर्डिंगली टू शेड्यूल और उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को है शेड्यूल करते हैं सक्सेसफुली प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ गेटिंग ऑब्जेक्टिव तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली जो प्लानिंग होती है उसमें हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव परमिसस परमिशंस जो होते परमिसेस चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन मेकिंग सबॉर्डिनेट यूनिट प्लान एंड बजटिंग हो गया प्लानिंग डज नॉट एंड विद ओवरऑल सिनेरियो, बिल्डिंग मतलब इन सब चीज़ों से नहीं एंड होती है बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान आर मेड सच एस लॉन्ग टर्म प्लान होता है कंटिस्टेंसी होती है एंड डिपेंड डिपेंडमेंट होता है

चैलेंज ऑफ द चेंजेस और प्रिपेरिंग स्ट्रेटजीज प्लान ऑफ एक्शन तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं गुड प्लान प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल तो कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके ऊपर जो गुड प्लानिंग होती, हो, होती है वो बेस्ड होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिज आर ब्रीफली डिस्कस इन द फॉलोइंग सेशन तो कुछ इनमें से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कमिटमेंट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर नॉट कमिटेड टू योर वर्क इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू योर स्टडी इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू योर एग्जाम इट विल रिविन ऑल द थिंग मतलब हर चीज़ को जो हैम्पर करता है तो कमिटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन एनी प्लानिंग और एनी थिंग जो भी आप कर रहे हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी

मतलब बनते हैं ताकि मीट करें नियर ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन शॉर्ट रेंज प्लान फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग रेंज प्लान होता है तो शॉर्ट रेंज प्लान होता है वही अगर सक्सेसफुल हो तो लॉन्ग रेंज जो प्लान होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि हम ब्लू बना रहे हैं हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें कैसे काम करती हैं कैसे अगर आगे हमें दिक्कत होगी तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है प्रिंसिपल ऑफ़ फ्लेक्सिबिलिटी तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल अ प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए दिस एनेबल इजी एडजस्टमेंट टू चेंज एंड बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल इन द क्राइसिस तो फ्लेक्सिबल मतलब आगे चल के आप उसको मतलब चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कि रिजिड होना चाहिए तो क्या होगा आगे आपका जो भी चीज़ होगा ना फ्लैक्सीबल नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है या फिर आप जिस प्लान के मतलब जिस टॉपिक पे पहुंचना चाहते हैं जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर का रहे वो नहीं हो पाता है अ डिसीजन टू चूज़ मॉड मॉडुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ अ बिल्ड इन फ्लैक्सीबल बिलिटी इन लाइब्रेरी प्लानिंग डेफिनेटली लाइब्रेरी का जो मॉडुलर बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट करते हुए फ्लैक्सीबिलिटी रखी जाती है वहाँ पर भी फिर आता है तीसरा प्रिंसिपल वो है प्रिंसिपल ऑफ अडोप्टिबिलिटी अडोप्टिबिलिटी मतलब चीज़ों को आप अडोप्ट कितना कर रहे हैं जैसे कि अ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान इंडिकेट वेदर द एंटरप्राइज एक्टिविटी आर मूविंग इन द प्लान डायरेक्शन वो जितनी भी हम चीज़ें प्लान कर रहे हो प्लान डायरेक्शन में जा रही है मेजर डिविडेंट फ्रॉम द सेट कोर्स नेसेसरी रिव्यूइंग ऑफ प्लान टू मीट जो चेंज जो कंडीशन है उसमें अ बिल्ट इज़ फ्लैक्सीबल अ बिल्ट इज़ फ्लैक्सीबिलिटी डज़ नॉट ऑटोमेटिकली रिव्यू प्लान वो ऑटोमेटिकली रिव्यू नहीं करती है प्लान को ना प्लानिंग प्रोसेस को प्लानिंग इज़ देअर फॉर अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है द प्लानिंग प्रोसेस बिगेन विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक हमारा उद्देश्य होता है एंड देन प्रोसीड टू प्रमाइसिस तब हम उस चीज़ के आगे हम कार्य करना शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिविटी मॉडरेट मैनेजमेंट ले ले हैविंग स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा स्ट्रेस डालता है जो मॉडरेट मैनेजमेंट जो प्लान है उसमें अ प्लान मस्ट लीड टू अटेनमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव कोई भी प्लान होता है तो उसका कोई सेट ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अटेन करना होता है द आंसर टू द क्वेश्चन वाई एन एंटरप्राइज एग्जिस्ट इट इज़ द पर्पस और द इट इज अ पर्पस और मिशन तो एक पर्पस है या मिशन है कि क्यों एंटरप्राइज जो है एग्जिस्ट करती है वेट द पर्पस इज़ आइडेंटिफाई इन स्पेसिफिक टर्म जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक टर्म में इट बिकम द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एंड ट्रांसमिट दैम दैन बिकम अ गोल और वही आउटपुट हो जाता है और जो हमें मिलता है वह गोल हो जाता है वे द गोल इज नैरो Down to a further specific, specificity, it this gave rise to objective. वो hame objective deta hai Goal are more comprehensive in nature, jo goal hota hai wo zyada comprehensive hota hai और objective follow फौल, करता है goal. तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी बोलते हैं management of objective MBO हो गया. फिर उसके बाद में यहाँ पे is built around subject objective. फिर सरप्लेक्स एज अ गोल फिर उसके बाद हो गया वेरी वेरीफाइएबल और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव जैसे पर्पसफुल मैनेजमेंट एम्ड एट मेकिंग द ऑब्जेक्टिव वेरीफाइएबल जो पर्पसफुल मैनेजमेंट होता है वो हमें वेरीफाइएबल जो uh, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है ओनली देन डज कंट्रोल बिकम मीनिंगफुल तभी वो चीज़ें जो होती हैं वो मीनिंगफुल हो जाती हैं वेरिएशन वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इसमें ऑब्जेक्टिव में अगर वेरिएशन होता है तो क्या होता है एन एंटरप्राइज बिगिन अ सिस्टम इज़ मेड ऑफ सिस्टम पार्ट एंड कॉम्पोनेंट सच एस डाइवर्जन डिपार्टमेंट सेक्शन सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड प्लानिंग ये सारी चीज़ इसमें आती है फॉर मेकिंग मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट को काम करने के लिए हम क्या करते हैं इट इज़ असेंशियल ये बहुत असेंशियल है कि हम सेट करें ऑब्जेक्टिव फॉर ईच कंस जो कंसिस्टेंट यूनिट है और फंक्शन है उसमें ताकि हम चीज़ों को अचीव कर पाए और वो डिले ना हो फिर आता है यहाँ पे परमिसिंग uh, परमिसिंग क्या होता है प्लानिंग प्रोसी प्रोसीड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स असम्शन जो प्लानिंग होता है वो किस चीज़ पे बेस होता है फैक्ट पे असम्पन पे बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव असमेंट ऑफ फैक्ट्स डेट गो टू गो टू मेक अ प्लान असमेंट ऑफ एक्ट होता है जो कि प्लान बनाता है एंड एंटीसीपेट सपेटिंग द टाइप ऑफ एनवायरमेंट और वो एंटीसिपेट करता है टाइप ऑफ एनवायरमेंट प्लान इज़ टू ऑपरेट इन इज परमिस परमिसिंग इज कंसर्न विद बोथ परमिसिंग किस चीज़ से रिलेटेड होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंटरनल फैक्टर कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट जो भी हमने प्लान इन्वेस्टमेंट लगाया है वो इंटरनल फैक्टर में आता है फोरकास्ट ऑफ टर्न हो गया पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया अवेलेबल uh, एक्सपर्ट हो गए और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है इंक्ल्यूड होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन कैपिटल मार्किट मार्केट कंडीशन हो गया प्रोडक्ट सर्विस लेबर एंड ऑल दस थिंग अब इसके अंदर फोरकास्ट में देखिए यहाँ पे बोल रहा है फोरकास्ट इज़ अ सेंट्रल फीचर ऑफ परमिशन परमिसिंग ये सेंट्रल फीचर है परमिसिंग का इट इज़ ऑफ टू टाइप ये दो टाइप के होते हैं एक्सप्लोरेटरी एंड नॉर्मेटिव वाइल एक्सप्लोरेटरी फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस इंटर इंटरप्रिटेशन जो इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन होता है इस पर बेस होता है ऑफ पास्ट मिड प्रेजेंट ट्रेंड फैक्ट्स एंड इवेंट टू ऑबटेन अ पॉसिबल आउट आउटलाइन ऑफ द फ्यूचर कम्युनिटी एनालिसिस इज यूजुअली यूजफुल टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग अ लाइब्रेरी मार्केट फॉरकास्टिंग ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल फैक्टर फॉरकास्ट करते हैं सोल सोशल एंड पॉलिटिकल जो फैक्टर होते हैं इज मोस्टली जजमेंटल फिर आता है डिसीजन मेकिंग अ सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग ऑफ अमंग ऑप्शन चूज करना ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से लाइक फॉर एग्जांपल साउंड डिसीजन मेकिंग साउंड मैनेजमेंट डिसीजन आर दोस डेट रिजल्ट इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ मिनिमम कॉस्ट जो हमें मतलब डिसीज़न लेना है ऐसे जिसमें हम अटेन कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव को जहाँ पे हमारे कॉस्ट जो है वो कम से कम लागत लगे इन द शॉर्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ताकि कम से कम टाइम में वो चीज़ों को हम आ, मतलब अटेन कर पाए इट डिफर फ्रॉम साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग वेयर इन इमिग्रेशन पॉज पॉजिटिव ऑब्जेक्टिविटी तो सोशल कल्चरल ह्यूमन फैक्टर ये सब रोल प्ले करते हैं अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट बिगिन अ पीपल बींग अ पीपल एंड माइंड ओरिएंटेड एक्टिविटी एक तरह से माइंड ओरिएंटेड एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है लिमिटिंग फैक्टर्स दि फैक्ट दिस एक्ट एज कंस्ट्रेन इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ये एक तरह से अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में कंस्ट्रेन की तरह काम करता है एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स टू बी कंसिडर्ड मस्ट बी वन ऑफ द ओवरकमिंग द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर मैनी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान स्पेस इज़ फाउंड टू बी द लिमिटिंग फैक्टर बहुत सारे लाइब्रेरी के लिए जो प्लान हो गया डेवलपमेंटल प्लान हो गया स्पेस हो गया कहाँ पर बनानी है वो सब लिमिटिंग फैक्टर में आते हैं फिर आता है इवेल्युशन ऑफ आल्टरनेटिव ये आप पढ़ लेना पॉलिसी स्ट्रेटीज एंड यहाँ पे ट्रैक uh, जो टैक्टिक होता है पॉलिसीज़ आर गाइडलाइन टू डिसीज़न मेकिंग पॉलिसीज़ जो होती है एक गाइडलाइन की तरह काम करती है डिसीजन मेकिंग में स्टिप बाउंड्री विद इन विच द प्लान ऑपरेट और वह बाउंड्री जिसमें वह प्लान जो है ऑपरेट करता है ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटजीज़ इंडिकेट कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजीज जो होती है वो बताती है कोर्स ऑफ एक्शन को किसी फॉलो किया जाता है अटेनमेंट ऑफ द गोल के लिए पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज ऑफर कन्वर्ज और जो भी पॉलिसीज और यहाँ पे स्ट्रेटजीज होती है वो कन्वर्जेंस होती है टैक्टिक आर एक्शन प्लान वो एक्शन प्लान होता है डाइवर्स फॉर कैरिंग आउट स्ट्रेटजीज जो स्ट्रेटजीज को मतलब कैरी आउट करता है अब टाइप ऑफ यहाँ पे स्ट्रेटजीज की बात की गई है जैसे कि यहाँ पे बात किया है द मेजर स्ट्रेटजीज डील विद Broad use, uh, broad area and key policies and provide a unified direction. मतलब एक बहुत सारे varying direction देता है shape and successful ताकि कोई भी plan जो है वो successful हो सके. Area in a library enable uh, amiable to major strategies include तो collection हो गया, building हो गया, resource sharing, information products, uh, staffing तो ये सारे इसमें आते हैं. there is no single strategies which meet all the requirement or with, with uh, which is suitable under all condition कोई एक particular strategy ऐसी नहीं है जो हर situation में मतलब वो apply हो या फिर वो मतलब हर condition में वो चीज़ों को अच्छे से कर, मतलब दिखाए development of a strategy depend on the creative uh, talent जो development है वो strategy creative talent पर depend करता है एंड आउटलुक ऑफ़ द मैनेजर्स इन सेलेक्टिंग आर स्ट्रेटजीज डेट वर्क अब डेवलपिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं मेजर स्ट्रेटजीज आर डेवलपिंग फॉर डेवलप फॉर ऑल की एरियाज ये हर की एरिया के लिए डेवलप किया जाता है जो डेवलपिंग स्ट्रेटजी होती है बिफोर सच एक्सरसाइज आर अंडरटेकन इट इज़ एसेंशियल पौंडर ओवर द एंटरप्राइज इन सब को एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जान लेना चाहिए इट्स फिलोसफी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैन पावर असटेंट या प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव इसके बारे में या डायरेक्शन फ्यूचर डायरेक्शन क्या है इसका ग्रोथ क्या है राइट आंसर टूर टू अ फ्यू राइट क्वेश्चन विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कुछ छोट कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हमें मिल जाए तो अप्रोप्रिएट जो स्ट्रैटेजी होती है वो वर्क करने लगती है इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन द क्वेश्चन टू बी आस्क आर मतलब इस तरीके हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अपने आप से जैसे व्हाट इज़ आर बिजनेस हु आर आर कस्टमर हमारे कस्टमर कौन होंगे अपने कस्टमर को निर्धारित करना व्हाट डू आर कस्टमर वांट्स उनकी ज़रूरतें क्या हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है हाउ मच विल आर कस्टमर बाय एंड एट वट प्राइस हमारे कस्टमर जो हैं वो कितना खरीदेंगे और कितनी उनकी परचेजिंग पावर जो है ये सारी जो क्वेश्चन हैं आपको मतलब और भी हैं ये भी आप एक बार अपने लेवल पर पढ़ लेना फिर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग पर्टिकुलरली द डिसजन मेकिंग पार्ट ऑफ इट एंड कंट्रोलिंग हैव कम टू डिपेंड्स इनक्रीजिंगली ऑन इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्लानिंग हो गया डिसीजन मेकिंग हो गया कंट्रोलिंग हो गया ये सब किस पे डिपेंड होते हैं ये डेटा इन्फॉर्मेशन एंड डेटा पे डिपेंड होते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक फंक्शन है एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ताकि वो कलेक्ट कर पाए एंड ट्रांसमिट कर पाए ऑल रिल रिलेवेंट परटेनिंग जो डेटा है इंफॉर्मेशन मैनेज मैनेजेरियल पब्लिकेशन को इन रिसेंट ईयर एम आई एस फंक्शन है बिकम अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका एक बहुत मतलब अहम पार्ट बन गया है अब जो एम आई एस है वो डील करता है दो तो डिस्टिंग टाइप टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से लाइक ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन तो ये दोनों आप पर पढ़ लेना अपने लेवल पे तो इसी के साथ ये जो हमारे जो ये पार्ट है ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा रहे और रहेगा ऑर्गेनाइजिंग तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद